दोस्तों मैं बताऊंगा न्यू बीएसएस मॉडल एमजी ग्लास्टर सब और 6 सीटर की है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसमें डीजल है और ये एसी सीरीज सब आलतियों सब मिलाकर लगभग 40,24,390 रुपये है। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं। बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को हमेशा मिलती रही। दोस्तों मेरा एक और चैनल है ओपी ब्लॉग देसी के नाम से है, आप उसको मैं कहीं ब्लॉग बनाता हूं कहीं जाता हूं तो उसमें हर जान वो मिल जाती है। ये आपको पूरी जानकारी बताता हूँ एमजी ग्लास्टर सप्र जो 6 सीटर की है 1996 cc की है और अधिकतम पावर इसमें 215.1 bhp और 4000 rpm मिल जाती है। अधिकतम ताकत इसमें 480 nm और 1500 से लेकर 2400 मिल जाती है rpm और सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है। वर प्रति सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है। टर्बो चार्जर मिल जाता है और गियर बॉक्स ये 6 गियर की है और काफ़ी पावरफुल रहती है और फीचर काफ़ी अच्छे ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, ऑटोमेटिक पार्किंग सेंसर कैमरा मिल जाता है और वॉइस कमांड मिल जाता है और रेड जोन बता देगा कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी तो वहाँ पे टच स्क्रीन वहाँ पे मिल जाती है वहाँ बता देगा। और इसमें फ्यूल सिस्टम आप 75 लीटर फ्यूल भर सकते हैं और सामने पर बात करें तो एमजी का लोगो मिल जाता है और ग्रिल काफ़ी शानदार मिल जाती है और हेडलैम्प मिल जाता है LED के साथ और एंजिलेटर भी ऊपर से मिल जाता है जो काफ़ी शानदार सामने का लुक मिल जाता है। फॉग लैम्प मिल जाता है और फॉग लैम्प आगे पीछे दोनों मिल जाता है और क्रोम काफ़ी शानदार मिल जाता है जो काफ़ी शानदार देखने में इनकी लंबाई हाइट काफ़ी पावर देखने में पावरफुल दिखाई देती है। सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है और सामने टायर की बात करें तो 255/55 R19 मिल जाता है और रियल में भी 255/55 R19 मिल जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4985 mm मिल जाती है और चौड़ाई इसकी 1926 mm मिल जाती है और चौड़ाई वही 1926 और ऊंचाई इसी 1867 mm मिल जाती है और ये 6 और 7 सीटर मिल जाती है, मतलब 5-6-7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और व्हील बेस इसमें 2950 mm मिल जाता है और दौड़ की संख्या इसमें 5 मिल जाती है और काफ़ी शानदार है। और इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, पावर बूथ मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग मिल जाता है और इस इंज पास ड्रॉफिक काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेदर मिल जाती है और देखने में काफ़ी शानदार मिल जाती है। स्क्रीन भी टच में मिल जाती है और स्टेयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें MG का लोगो मिल जाता है, हॉर्न के लिए मिल जाता है, कॉल ऑन कॉल करने के लिए मिल जाता है और सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे सीट बेल्ट मिल जाता है और मसाज के लिए मिल जाता है और ठंडा गर्म के लिए हीटर भी मिल जाता है सीट में। या आप जैसे आप बाहर कहीं ठंड एरिया में रहते हैं तो हीटर चालू कर लीजिए और कहीं आप गर्म एरिया में रहते हैं तो आप कूलिंग चालू कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सब मिल जाता है वहाँ पे बटन से और हैंड ब्रेक वहाँ पे बटन भी मिल जाता है और USB चार्जर मिल जाता है, बैटरी चार्जर मिल जाता है और म्यूजिक सिस्टम के लिए और AC सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ऊपर सनरूफ मिल जाता है और पूरा ग्लास पूरा सब फोल्ड हो जाता है और काफ़ी अंदर भी जान मिल जाती है और ड्राइवर डोर की विंडोज में ग्लास अप डाउन करने मिल जाते हैं, पूरे स्विच मिल जाते हैं, पावर लॉक अनलॉक कर मिल जाता है डोर के लिए और हेडलैम्प के लिए मिल जाता है स्टेयरिंग पास और वाइपर के लिए मिल जाता है, वाशर के लिए मिल जाता है जो सामने 2 वाइपर मिल जाते हैं वाशर वहीं मिल जाता है और सीट काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल मिल जाती है। आप सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं आप और इसमें वाला VIP सीट मिल जाती है जो प्लेन में मौजूद रहती है, बिजनेस कोटा वाले कोटा की सीट जो रहती है। और पीछे साइड बात करें तो 12 USB चार्जर मिल जाता है और AC सिस्टम मिल जाता है जो काफ़ी शानदार रहता है और पार्किंग सेंसर फ्रंट और पीछे दोनों साइड मिल जाता है, मतलब पार्किंग जो सेंसर है सामने आगे पीछे की जैसे आप कौन सी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो उस हिसाब से चलेगी और वो तेज़ चल रही है तो आप मतलब कि फीचर जितने सारे अच्छे मिले हैं कि आप वो आगे चल रही है स्पीड चल रही तो आपकी भी स्पीड चलेगी और वो नॉर्मल चल रही तो आपको भी नॉर्मल चलेगी।
जो काफ़ी ज़्यादा फीचर अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी ये पावरफुल बनाती है। यूएसबी चार्जर आगे पीछे फ्रंट और रियल में दोनों मिल जाता है, और सीट भी नीचे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और पीछे साइड बात करें तो एक वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, बूट के वहाँ पर सेंस बटन मिल जाती है, आप वहाँ पे टच करते ही ओपन और ऑन हो जाएगी, और लाइट मिल जाएगी थोड़ा सा, और ग्लास्टर की बेजी मिल जाती है जो बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, और पार्किंग सेंसर मिल जाता है, और नीचे साइड सेंसर मिल जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। I'm